भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इनकी एपीसमेंट की पॉलिसी के कारण इतनी रेप्यूटेड संस्थाएं जिन्होंने भारत को बचाया, भारत की आबरू को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, हमारे भक्ति संप्रदाय को पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ने पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के जंगलों में शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ममता जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी। हम इसका विरोध करेंगे। और मैं बंगाल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, अति और वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ममता बनर्जी अगर इस प्रकार की रेप्यूटेड संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाती है तो बंगाल की जनता ने भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। देखियो, ये मामला मूलतः तो वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, और हमें निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है।